I don't want your city में कोई unrest हो। इसीलिए तो मैं भाग कर आया सर। उन्हें arrest करूं? No. Wait. Wait for the moment. Other place the लोग आ रहे हैं। We have to be very careful. अभी कुछ नहीं कर सकते। स्वदेशी लोग बहुत active हो गया है। I will have to inform Lieutenant Governor Andrew Fraser. By the way. उनके खानों में वो किड सुभाष की बात नहीं जानी चाहिए। यस सर, सुभाष को तो चार्ल्स ही सबक सिखाएगा। ये हम जानते हैं सुभी, जो असल बात है ना, वो अंग्रेजों को मुंह पर जवाब देना है। वो जबरदस्ती जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। अनु मासी, ये सब क्या बोल रही है? ये सब तुम क्या कह रही हो अनु? नहीं दीदी, मैं कह रही थी कि चार्ल्स जिस तरह से सुभी को परेशान कर रहा है, रिचर्डसन साहब को अपने बेटे को रोकना चाहिए, उसकी बजाय क्या कर रहे हैं? मैं चलती हूँ दीदी। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो। चाहता हूँ अनु मासी। बोलो। मैंने सुबह तुम्हें कहीं जाते हुए देखा था, चुपके से। तुमने कहा कि मंदिर गई थी, लेकिन प्रसाद के बिना ही वापस आई। अगर आपने गरीबों में प्रसाद बांट दिया था तो भी आप थोड़ा सा प्रसाद तो लाती ना मौसी। कहाँ गई थी तुम? ये मत सोचना कि मैं तुमसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर तुम्हें कोई खतरा है तब मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे ना। बोलो। लेकिन तुम अकेली इतनी दूर। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मुझे वो डर नहीं रहेगा। चलोगे शरद कुछ दूर तक? आपको क्यों लगता है कि मैं इतना भरोसेमंद हूँ अनु मौसी? सवाल मत करो शरद, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। पर अगर कोई बाद में मेरे ससुराल में चिट्ठी भेजना चाहे, हो सके तो वो रोक देना। क्यों? क्योंकि मैं वहां नहीं जा रही। माने मुझे बताया, क्या बताऊं बोलिए तो, उन्होंने इस तरह चिट्ठी भेज दी। कोई जरूरत नहीं होती तो वो बुलाते ही नहीं बाबा। मेरे ससुराल वाले आके मुझे तमलुक से ले जाएंगे, और शरद तो साथ में है ही। शरद, आंख कान खुले रखना, कोई और भी जा सकता है। हाँ हाँ, आप कहे तो मैं भी जा सकता हूँ। नहीं नहीं बाबा, चाचा दादू, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सुबी भी तुझे कल मैदान में देखना चाहेगा शरद। अगर अभी निकल गए तो कल सुबह तक वापस आ सकेंगे। कल सुभाष की दौड़ प्रतियोगिता है। सारे के सारे लुटेरे हैं। What? आर्म्स क्यों लूट रहे हैं? मुकुंद, सावधान। Yes, sir. उनके ऊपर कड़ी नजर रखो। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर खटक आ रहे हैं। उसके ऊपर स्वदेशी का आर्म्स लूट बिल्कुल ठीक नहीं। We have to be very careful. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर, वो लड़का अनंत ही सारी मुसीबत का जड़ है। उसे जैसे भी हो हमें पकड़ना ही होगा। जैसे ही वो घर लौटेगा हम उसे दबोच लेंगे। मुझे स्कॉलरशिप लेनी ही होगी। लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुब्बी। तुम सभी को हराकर आगे बढ़ रहे हो, और वो मैं देखूंगी, मैं जहां भी रहूं। और मैं ये भी देखूंगी कि देश मां को जंजीरों से मुक्ति मिले। उनकी आंखों में आंसू नहीं हो, और ऐसे ही देश में सुभी बड़ा हो, ऐसा हो सकता है ना? हम भारत मां की संतान, और हमारी भारत
सुपी, तुझे डर लग रहा है? नहीं छोटो मामा, क्यों डर लगेगा मुझे? हम डरपोक नहीं है, और यही तो कल मुझे चार्ल्स को साबित करके दिखाना है। भारतीय डरपोक नहीं है। मछले भैया ने भी कहा कि मुझे जीतना ही होगा। कल दौड़ से पहले मछली भैया आ तो जाएंगे ना? सुभी, सुभी। हाँ, माँ। जाओ सो जाओ। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ मैं माँ? मैं तो दौड़ने में अच्छा नहीं हूँ ना। समीर ने कहा है कि इतने कम समय में तभी जीत सकता हूँ अगर मैं सांस लेने की ठीक से प्रैक्टिस कर लूँ तो। अब और करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ, कल फिर से सुबह उठकर प्रैक्टिस कर लेना। सुनील, सुधीर, तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। कल की दौड़ में तुम हारोगे या जीतोगे ये मैं नहीं जानती सुभी, लेकिन ये दौड़ तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। शरत ने सही कहा है। क्या मैं कल साबित कर पाऊंगा कि भारतीय डरपोक नहीं होते? टेक्निक भी पता नहीं, बट समीर कैन बी अ थ्रेट, बट सुभाष नेवर, नेवर। नो दैट सुभाष कांट रन लाइक एन एथलीट। उसका समीर जैसा टेक्निक ही नहीं है, वो कैसे जीतेगा? चार्ल्स, लिसन टू मी, इट्स नॉट अ रेस, दिस इज अ रिवेंज एंड यू मस्ट विन। यस डैडी, मैं सुभाष या किसी इंडियन को जीतने ही नहीं दूंगा। जरूरत पड़े तो सुभाष को धक्का मार के आगे बढ़ जाऊंगा। आई विल हर्ट हिम, बट आई नीड टू विन दिस रेस। कल मैदान में क्या होगा पता नहीं। इन्होंने एक मामूली घटना को लेकर जो किया है, सुभी को तुम्हारी जरूरत है। वो अपने दिल की बातें सिर्फ तुमसे कहता है। अनु मौसी जिद पकड़कर बैठी है कि वो अकेले ही जाएंगी, और वहां शुभी को मेरी जरूरत है। क्या करूं मैं अब? क्या कल सुबह मैं शुभी के स्कूल के मैदान में पहुंच पाऊंगा? उस परिवार के लोग जरूर मैदान में आएंगे। उस दिन बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी, खासकर उस छोटे लड़के ने, सुभाष। अंग्रेज ठहरे राजा रजवाड़े, उनके साथ दौड़ की बाजी सुभाष कभी नहीं जीत पाएगा। मिस्टर यंग, आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। सर्टेनली मिस्टर रिचर्डसन। ओह गॉड, सेव सुभाष। Mr. Richardson, please come this way and take your seat. आज खेल के मैदान में तुम्हें जीतना ही होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा सुभी खेल के मैदान में जीतकर सर ऊंचा करके घर लौटे, और देखना चाहती हूँ मेरे सुभी का हंसता हुआ चेहरा। तुम तो जानते हो कि तुम्हें लेकर तुम्हारे पिताजी की कितनी आशाएं हैं। मैं कोशिश करूंगा माँ, मैंने घर पर दौड़ने का अभ्यास किया है। तुम जरूर कर पाओगे। बंदे मातरम।
मैं तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहा हूँ सुबी बाबा। सिर्फ आज नहीं, पूरी जिंदगी तुम अव्वल आओगे, पूरी जिंदगी जीतोगे, बहुत 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 नाम कमाओगे। जाओ सुभी बाबा, उस गोरे साहब के मुंह पर तुम कालिक लेप दो, जीत कर आओ। जाओ Mr. Richardson. Good morning. Please be seated. Thank you. Mr. Bose. Subhash INA. I must say, your son is brave. Usme himmat hai. Haarenge jaan kar bhi aane wala hai. Itna abhyas karke bhi Subhash haar jayega? पता है मैं दौड़ने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं दौड़ूंगा। अगर तुम उससे डरते नहीं हो तो उसे वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो? Because he is a fool. फिर भी मैं दौड़ूंगा चार्ल्स, मुझे ये साबित करना ही होगा कि भारतीय डरपोक नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। हाँ सुभाष, जरूर कर सकेगा, लंबी दौड़ लगानी होगी तुझे। मछले भैया अब तक आए क्यों नहीं? Be honest, Charles. Be perfect. ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग लेना, तभी तुम जीत पाओगे। खुद को कितनी बार बचाओगे सुभाष? I told you, Mukund. Charles को कोई भी हरा नहीं सकता। He will win, win, and win. We are born to win. सर, अंग्रेजों को हराना भारतीयों की बस की बात नहीं। शरत, शुभी तो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। शुभी कर पाएगा बड़े भैया, अध्यवसाय श्रम कभी विफल नहीं जाता, वो साबित करेगा कि भारतीय डरपोक नहीं है। कुक्का कितना बड़ा हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा है शुभी, कोई भी अकेला सफल नहीं हो सकता, सभी ने आगे आकर तेरी मदद की है, इसीलिए तुझे सफलता मिली है, इसीलिए तू आगे बढ़ गया है। जानते हो, चार्ल्स ने तो सुभी को धक्का मारकर गिरा दिया था। गिरा दिया था मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ सतीश? शरद, माँ दौड़ शुरू होने के बाद। देखा बड़े भैया, ये क्या बोल रहा है, हम बड़े तो ये बात भूल ही गए थे, लेकिन शुभी अपने असली लक्ष्य को नहीं भूला। ठीक है,
तो फिर शुभी का पसंदीदा खाना मेरिट स्कॉलरशिप के दिन ही बनाया जाएगा। हाँ। आज नहीं। अच्छा ठीक है, सुभाष को स्कॉलरशिप मिलने के बाद बढ़िया खाना बनाएंगे और मैं सबको निमंत्रण भेजूंगी। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माँ, हमारे सुभी ने तो हमेशा परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाया है, तो फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता तो है ही। सुभाष, कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे? लो तुम्हारा सामान। दशरथी दादा, बोलो क्या चाहिए? खेल खरीदने आई हूँ। खेल? ये तो अनंत का संकेत है। खेल रात को मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। अरे पहले उसे बनानी पड़ेगी ना। इसका मतलब दशरथी दादा ने मुझे रात को आने के लिए कहा है। ये ना, देखा ना क्या कान किया है? कटक शहर में आकर शांत शहर को एकदम अशांत करके रख दिया है, और उसका नतीजा क्या हुआ ये तो तुमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं सब लोग थोड़ा होशियार रहना, और सुभाष स्कूल में तुम कोई वाद विवाद में मत रहना। सामने लिखित परीक्षा है, उसमें ध्यान दो। रिचर्डसन साहब इतनी आसानी से ये अपमान नहीं सहेंगे। इस बात को लेकर वो बहुत दूर जा सकते हैं। How can I do this? मैं कैसे साबित करूंगा? ये क्या कह रहे हैं सर, ये काम तो केवल आप ही कर सकते हैं, और आपके मुंह से निकली हुई बात ही प्रमाण है। सर अभी भी थोड़ा वक्त है सर। Yes, we have time. Charles Kapalau. Yes, sir. अच्छा सुनो, सब कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन याद रखना इसे अपना अहंकार मत बनाना, इसे अपनी ताकत बनने दो सुभाष। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, विद्या ददाति विनयम। मैं पढ़ाई करूंगा बाबा, लापरवाही नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे कुछ बात करने आए थे सुभाष? आपने मुझे सजा दी थी बाबा। तुमसे ऊंची क्लास की किताबें, एक हफ्ते का समय। आज बहुत मेहनत होगी सुभाष, जाओ अपने कमरे में आराम करो। और हाँ, बिल्कुल इसी तरह तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। आगे की परीक्षा, उसके आगे की परीक्षा, और भी बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत लंबी दौड़ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। जैसे भी हो उसे ढूंढ कर लाओ। Go and remember, Lieutenant Andrew Fraser अगर मुझे worthless समझे तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी। Now get lost, sir. कटक जैसा छोटा शहर में छोटे लात आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आएंगे। पर क्यों आ रहे हैं? ऐसी क्या न्यूज है जो मुझे पता नहीं चला? ऐसा क्या है जो वो जानते हैं? मैं नरेंद्रनाथ गुहा। अरे अरे रहने दो। मैं आपको जानता हूँ चाचा जी। आज हम सब तुमको एक नए रूप में पहचाने हैं, पूरा कटक शहर तुमको पहचानता है।
लेकिन क्या तुम जानते हो कि अनजाने में तुमने अंग्रेजों को हरा दिया है, और अंग्रेज कभी भी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। शहर की हालत को देख रहे हो, कुछ अजीब लड़के, खैर जाने दो, जाने दो, तुम ये सब नहीं समझोगे। जाओ ना, जरा बाबा को बुला दो। बाबा तो घर पे नहीं है चाचा जी। ये हमारे कट देश के युवा अपनी जान देकर देश को अंग्रेजों के हाथों से आजाद करना चाहते हैं, और कुछ देशवासी उस अंग्रेज सरकार के छोटे लाड का स्वागत करके धन्य होना चाहते हैं। मछले भैया, कुछ बोल रहे हो? तू कविता याद कर शुभि, छोटे लाड को खुश करने के लिए। देखिए तो, इसमें हिंदी कविता है। मैं ना ये लेटर नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कविता रोनो के पास कैसे आई? किताब के ऊपर अनु मौसी का नाम लिखा हुआ है। अनु मौसी की किताब में स्वदेशी कविता लिखी हुई है। मछले भैया, मैं ये कविता याद कर लूं छोटे लाट एंड्रयू फ्रेजर को सुनाने के लिए। How are they looted? और हम क्वाइट होकर बैठे चुप हैं। रिचर्डसन को अलर्ट करो। I don't understand. Why can't he control? क्या कर रहा है रिचर्डसन? He has to control. एक काम करो, कुछ अच्छे जासूस भेजो ओडिशा में, उसके बाद मैं ओडिशा जाऊंगा, मेनली कटक। अच्छे से पढ़ना नहीं सीखा? अच्छा, अगर मैं हिंदी सीख लूं तो मछले भैया आप मुझे सिखाओ ना। तो फिर तू बड़े होकर सीखने के बाद ये पाठ करना। अभी तो तू अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानता है, वही बोल, और छोटे लाड तो अंग्रेजी ही ठीक से समझ पाएंगे, है ना? ये किताब जहाँ पर थी वहीं पर जाकर रख दे, और तू जो छोटे लाड के सामने अंग्रेजी कविता बोलने का सोच रहा था वही बोल। ठीक है मछले भैया। अच्छा है कि शुभि ठीक से हिंदी नहीं जानता, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अनुदी, तुम लोग जानते हो अनंदा कहाँ? हाँ साहब। हुजूर, कोई नहीं है यहाँ तो, कोई नहीं है। चल अंदर। साहब साहब, अंदर मेरे परिवार के लोग हैं, उनको कुछ मत कीजिए साहब, उन्हें कुछ मत कीजिए साहब। पुलिस आ रही है, बंदूक दे दो, हथियार देखेंगे तो सब खत्म कर देंगे। तो चलो तो तुम कौन सी कविता का पाठ करोगे सुभाष? मैं सोच रहा था कि उस किताब से। बाबा, वो अभी तक तय नहीं कर पाया है कि कौन सी अंग्रेजी कविता सुनाएगा, बाद में तय कर लेंगे। शुभि, तू अभी खाना खा ले, हम बाद में तय कर लेंगे तू कौन सी कविता सुनाएगा। अनु मौसी की किताब में लिखी हुई कविता के बारे में बोलने गया तो मछली भैया ने मुझे रोक लिया, ऐसा क्यों? अनु मौसी कब लौटेंगी? वो आएंगी तब कविता के बारे में पूछूंगा। घर में महिलाएं हैं, वो लोग आपके सामने इस हालत में हैं। आ जा रहा हूँ, लेकिन इस इलाके में अगर स्वदेशियों को घूमते फिरते देखा तो मुझे खबर देना, याद रखना, ना अच्छा नहीं होगा। अरे पुलिस चली गई, तुम लोग बाहर आ जाओ।
आओ 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 आओ। अच्छा पिस्टल कहाँ है? ये रही। अंग्रेजों के साथ लड़ना कोई मामूली बात है क्या? लड़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, दुश्मनों को खत्म करना होता है। इस बार वैसा नहीं होगा। And you have to do this at any cost. How can I, Daddy? Dad, एक काम कर सकते हैं। If you help me. बोलो, कैसा help करना होगा? सुभाष चंद्र बोस मेरिट स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। क्या ऐसा बंदोबस्त आप कर पाओगे डैडी? लेकिन कैसे चार्ल्स? कैसे मैं वो सुभाष चंद्र बोस को एग्जाम में बैठने से रोक सकता हूँ? प्रभावती, सुभाष को नहीं तुम्हें समझने की जरूरत है, ताकि ना तुम चिंता करो और ना ही तुम डरो। अपने बेटे के लिए क्या एक माँ चिंता नहीं करेगी, डरेगी नहीं? आप ही बताइए मुझे। तुम्हारा बेटा डरता नहीं है प्रभावती। आओ सुभाष, आओ। अच्छे इंसान बनो, जाओ माँ को प्रणाम करो। उसने तो ईमानदारी से परीक्षा दिया है, वही तो बड़ी बात है। और सुभाष, तुम्हारे आसपास कोई कुछ भी करे तो तुम्हें क्या मतलब है उससे? लेकिन ताऊ जी, चार्ल्स को चिट से देख कर लिखते हुए मुझे दुख हो रहा था कि वो चीटिंग कर रहा है। वो तो अन्याय है ना। जब अन्याय देखूं तब मैं क्या करूं, बोलिए। अन्याय का विरोध करना। न्याय का विरोध करने की शिक्षा दे रहे हो तुम अपने छोटे भाई को शरद? स्थान काल पात्र की शिक्षा तो नहीं दे रहे हो ना? उसका परिणाम तुम्हें कल ही मिलेगा। कल ही तो तुम्हारे मेरिट टेस्ट के फल की घोषणा होगी। प्रभा, इसे कमरे में ले जाओ। चलो सुभी, तुम भी आओ। बाबा, क्या मैंने गलती की अन्याय का विरोध करके? तुम्हारे ताऊ जी, तुम्हारे मजले भैया और मैंने जो कहा है वो तो तुमने सुना ना। अब तुम खुद ही विचार करके मुझे बाद में बताना, तुमने सही किया है या गलत। सिर्फ साहस नहीं, अंगार है। बोलना, बता दिया तो फायदा क्या? बोथ ऑफ देम आर फॉर चार्ल्स। तुम जो भी उंगली चुन लो, मेरा ही नाम आएगा सुभाष। अगर मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिल गई तो मेरी माँ ने कहा है कि वो मेरे स्कूल जरूर आएंगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें पूरा स्कूल दिखाऊं। जब मन से कुछ चाहो ना तो वो जरूर मिलता है चार्ल्स। विद्या को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तुम्हें पता नहीं चार्ल्स? ओए चार्ल्स, तुमने सुभी का बैग क्यों फेंक दिया? चल तो,
मिसेस यंग को जाकर बोलते हैं। चलो चलो। नहीं नहीं छोटो मामा, रहने दीजिए। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। मत जाओ, रुको तो सही। मैं कैसे इन्हें रोकूं? मिसेस यंग को तो कंप्लेंट पर। और मैं नहीं समझ पाया मैंने क्या क्या नहीं कहा उस दिन उस छोटे सुभाष को और उसके दोस्तों को। जीवन, क्या हुआ जीवन? जानते हो रथिन, सुभाष चंद्र बोस, हाँ, हमारे वकील बाबू जानकीनाथ बोस का बेटा, वो मेरिट टेस्ट में प्रथम आया है। क्या बोल रहे हो जीवन? ब्रिटिश छात्रों को हराकर एक भारतीय छात्र प्रथम? क्या कहा? सुभी स्कॉलरशिप में फर्स्ट आया है। आज क्या लग रहा है जानते हो? हम भारतीय सिर्फ अंग्रेजों का सामान उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। ये क्या सुभी, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? ये तो खुशी की खबर है। आ सुपोच। नहीं कुछ नहीं छोटो मामा, चलो क्लास पे चलते हैं। ऐसे हम लोग बिल्कुल क्लास में नहीं जाएंगे। चार्ल्स को बोलेंगे कि तू फर्स्ट आया है। रुक ना, उससे मजा मैं चखाता हूँ। फर्स्ट बेंच पर बैठा था ना, वहाँ पर सिर्फ तू ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। ओ यासिम, जानता है सुभी मेरिट स्कॉलरशिप में फर्स्ट आया है? सच कह रहे हो? चलो आज सुभाष को क्लास में उठा के लेके जाएंगे। सुभी, 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 सुभाष, 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 सुभाष। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे जल्दी, ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। बिल्कुल मत उतारना उसे। सुभी, सुभी, सुनो चार्ल्स, तुम अब उठो, बैक बेंच पर जाकर बैठो। हमारा सुभी फर्स्ट आया है, हमें टीचर्स रूम से खबर मिली है। अच्छा मुझे नीचे उतारो, उतारो ना। छोटू मामा, ताऊ जी ने हमें कहा था ना कि ये सब चीजों में मत पड़ना, इनकी बातों का बुरा मत मानना चार्ल्स। इंडियंस क्या कहते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यू फूल, तुम सब पहुँच कर माँ को स्कूल में आने के लिए कहूँगा। माँ आएंगी ना? दीदी आएगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा, है ना? दीदी आएंगी तो उनसे कहेंगे चार्ल्स को थोड़ा डांट देने के लिए। चार्ल्स, क्या सच में सुभाष फर्स्ट आया है? Always remember, we are the king and we can't lose anything. अंदर आओ। What happened? आज असेंबली मत कॉल करना जीवन, कल मैं मेरिट स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट करूंगा। आज स्कूल में छुट्टी की घोषणा करता। छुट्टी? Why? आज छुट्टी क्यों मिस्टर यंग? ये ले, तेरा मेरिट स्कॉलरशिप का गिफ्ट, बेर का अचार। तुमने उसे बेर का अचार दिया? मुझे तो कभी नहीं दिया। तुम्हें मेरिट स्कॉलरशिप मिलने पर जरूर देता है ना? ठीक कहा है हमारे मामा बाबू ने। माँ, 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 हमारा कुक्का फर्स्ट आया है, उसे मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। मछले भैया, कितनी बार कहा है कुक्का। आपको भी खुश होने पर रोना आता है? क्या पकाया जाएगा बताओ तो। वो मैं और सुभी तय कर लेंगे, ठीक है? लेकिन आज तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है भैया, कल होगी, तो कल ही दावत होगी। सुभी, कल असेंबली में हम सब मिलकर जाएंगे। आप भी आओगी ना माँ? मैं स्कूल कैसे आ सकती हूँ सुभी? क्यों, बाबा के साथ आओ ना माँ। सुभाष,
अच्छा मैं भी साथ आऊंगी। चलोगी ना माँ? मैंने तो सब दोस्तों से कहा कि आप भी आओगी। सुबह कह रहा था कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ आएंगी। अब तो माँ ना नहीं कह पाएंगी। I must say that you are very clever. मैंने एक अच्छा फैसला लिया है। मुखर्जी की जगह पर चौधरी। Good decision. चौधरी, कटक में मिलेंगे। Oh, by the way, रिचर्डसन को ये खबर भेज दो, मैं आज कटक जा रहा हूं। Okay? अच्छा अंदर चलो। अब्दुल, तुम्हें जो गाड़ी में मिठाई रखने के लिए कहा था वो लेकर आना। प्रभा, तुम स्कूल में मिठाई लेकर आई हो? अरे मेरे सुबह को स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं सबका मुंह ना मीठा कराऊं। क्या हम हमारी खुशी सबके साथ बांट नहीं सकते? समझ गई, अंदर मिठाई नहीं लेके जा सकती। मैं स्कूल के नियमों का पालन करूंगी, लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर सुबह का मुंह मीठा जरूर कराऊंगी। अंदर चलो। प्रभा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सच में सुबह की वजह से ही आज मैं यहाँ आ पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हमारा शुभ ही है। इसका मतलब मैं तो कुछ भी नहीं, है ना? तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी? नहीं कहती क्या? मेरिट स्कॉलरशिप में सुभाष और चार्ल्स की कंपटीशन सबसे क्लोज। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के इंडियन होने की वजह से मेरिट स्कॉलरशिप में प्रथम किया नहीं जा सकता। अन्याय हो रहा है ना? जानते हो, हमने अपने कानों से सुना है कि सुभी मेरिट स्कॉलरशिप में फर्स्ट आया है, तो फिर अब ऐसा क्यों हुआ? नियम बदल गए हैं, भारतीयों को और स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं सुभी के साथ? मेरे बेटे को कितना दुख हो रहा है, आप कुछ बोलिए ना। मैं माँ होकर सुभी का दुख नहीं देख पा रही हूँ। बाबा, ये तो अन्याय हो रहा है, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग कुछ कहिए। ने साबित कर दे कि कौन ज्यादा मेरिटोरियस है। लेकिन सर, जो आपने कहा उसके कारण हम कभी गर्व से ये नहीं कह पाएंगे
कि हम इस स्कूल के छात्र हैं। बच्चे भी इससे क्या सीखेंगे सर? पर शरत, तुम्हारा प्रस्ताव सही होने पर भी मेरा मानना है कि उस दिन सुभाष और चार्ल्स परीक्षा के लिए तैयार हो गए थे। आज अचानक से किसी भी विषय पर क्या वो दोनों जवाब दे पाएंगे? सुभाष उत्तर नहीं दे पाया तो मान सम्मान भी स्कॉलरशिप के साथ चला जाएगा। सर, मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यस शुभी। चार्ल्स, आई वांट यू टू बी हियर। मेरा सुभी सारे जवाब दे पाएगा। उस अंग्रेज के बेटे चार्ल्स को मुंह तोड़ जवाब देगा। शरत, बाबा हमारे शुभी के साथ इतना बड़ा बैठो। शरत बैठो। क्या कर रहा है चार्ल्स? आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है? सर, अब चिंता मत कीजिए, तीन सवालों में अभी भी दो सवाल बाकी हैं। चार्ल्स कर लेगा। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन। सिपाही म्यूटनी के समय कौन से डाकू को फांसी पर चढ़ा दिया गया था? वो डाकू नहीं थे, वो तो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। वो थे तातिया टोपी। तुम दोनों ही डैफोडिल्स पोएम का फर्स्ट स्टैंजा रिसाइट करोगे। आई विल गिव यू द फर्स्ट चांस चार्ल्स। आई कांट रिमेम्बर। आई वांडर्ड एज अ लोनली क्लाउड that floats. नहीं लग रहा, मेडल नहीं मिला इसलिए उनका मन बहुत दुखी है। माँ जी को खबर देनी ही पड़ेगी। तुम दोनों जाओ अभी। वो साहब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। वो जबरदस्ती जो मर्जी आए वो नहीं कर सकते। आपने ठीक ही कहा था अनुमोद से, अंग्रेज भारतीयों के साथ सर अन्याय करते हैं। सुभाष को अगर स्कूल से निकलवा दोगे तो और अंग्रेज गुस्से में आ जाएंगे। हमारे मान सम्मान के लिए ये ना करना बेहतर होगा। और फिर छोटे लाट आ रहे हैं, ये बात उनके कान तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। कटक समिति की तरफ से उन्हें संवर्धन देने की बात है, तो सुभाष के स्कूल बदलने की बात को एक बार और सोचकर देखो। माँ जी, माँ जी। और दादा, आप इतना मत डराया कीजिए। नरेन बाबू ने भी चिट्ठी में लिखा है सुभाष के साथ अन्याय की वजह से उन्हें डर लग रहा है। उस सभा में रहने जैसी मनोदशा मेरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का भय हटाने के लिए फ्रेजर बाबू से बात करने जरूर जाऊंगा। सुभाष भी कविता सुनाएगा। मैंने कभी सुभाष को किसी का अपमान करना नहीं सिखाया और ना ही कभी सिखाऊंगा। और एक बात तय है कि अन्याय को मानना भी नहीं सिखाऊंगा।
आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं मेरी पत्नी को लेकर निकला हूँ, पर आप लोग कौन हैं? चुप! सच सच बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बोलो। सुभी, तेरे इस बड़े भाई को कभी स्कॉलरशिप नहीं मिली। फर्स्ट तो क्या, सेकंड भी नहीं आया। और सुन, कल सेलिब्रेशन होगा ही। पहले हम सब मिलकर सुभी के लिए भोज फाइनल करेंगे। क्या क्या बनेगा, क्या ये रहे मामा बाबू? सुभी अब और ना नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली छोटो मामा। लेकिन हमारे लिए तू ही फर्स्ट है। सुभी, ये लो। क्या मैं इसका मान रख पाऊंगा? बिल्कुल रखोगे, मैं जानती हूँ तुम रख पाओगे। आज के बाद तुम्हें जिंदगी की कोई भी परीक्षा में सर झुकाने की जरूरत नहीं है। शरद, तुम सुभी को कविता सिखा देना। आज छोटो लाट आ रहे हैं कटक में। पापा ने ताऊजी से कहा बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, खाना पीना, गाना, कविता पाठ, एक बहुत बड़ा आयोजन। छोटे लाट को लेकर इतनी अतिशयोक्ति बिल्कुल सहन नहीं होती है। ये सर, गोली पैर पर लगी है। कौन है वो? अनंत? नहीं पता सर, पर वो अपनी पत्नी को लेकर कटक लौट रहा था। मैरिड? इज अनंत मैरिड? मुकुंद? नहीं सर, अनंत ने शादी नहीं की है। इसका मतलब वो अनंत नहीं। उसे पकड़ पाए हो क्या? नहीं सर, भाग गया। ठीक है, जाओ। सी, आई टोल्ड यू मुकुंद, मैंने तुम्हें यही कहा था, एक भी स्वदेशी भाग ना पाए। Now go and catch him. Yes, sir. बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, और सुभी भी दुखी होकर कमरे में अकेले बैठा है, उसे भी यहाँ ले आओ। सुभी, आप ये सब जरा देखिए। हाँ, तो यही रख दे। सरोज, सब फूलों को अच्छे से सजा दिया? वाह, यही तो, छोटे लाड साहब को बहुत पसंद है। फूलदानी अच्छे से सजा कर ले जानी होगी, ठीक है? ओ माँ, मुझे बुलाया? हाँ माँ, ये मिठाई मैंने बनाई है माँ, एक बार खा के देखो कैसी बनी है। तुम तो अच्छी ही मिठाई बनाती हो। अरे बाप रे, सारे बर्तन ले आई। ओ माँ, बोल रही थी कि इसी में छोटे लाट को खाना परोसेंगे। अच्छा, मैं क्या इतना समझ पाती हूँ, बोल। हाँ? छोटी, छोटी। हाँ बोलिए। छोटी, तू एक बार बर्तन देख ले, और उधर कपड़े का नक्शा भी देख लेना। आप लोग देख लीजिए। मेरे ख्याल से प्रमीला, आप और ताई माँ सब मिलकर देख लीजिए। छोटे लाट के सम्मान के लिए जो व्यवस्था करने के लिए कहा था वो सब कर लीजिएगा। सब कुछ ध्यान से कर लीजिए। मैं जरा अभी आती हूँ। मानोदा, सुभी ने दूध पिया? जी हाँ। क्या तुम यहाँ कुछ कर रहे हो? नहीं बाबा। तो फिर कविता याद करनी है तुम्हें, याद है? तुमने वो कविता पढ़ ली? थोड़ा और पढ़ना होगा। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो सुभाष, उसके बारे में और मत सोचो। जो होना था वो हो गया, ठीक है? ठीक कहा जानकी। सुभाष, तुम्हारे स्कूल की बातें सोचकर कल के समारोह में कविता पाठ करने में कोई गड़बड़ मत करना। मिस्टर दिलीप। यस सर, आई एम फ्रॉम किंदापाड़ा।
क्या बात है, सर तो सबको नाम से जानते हैं। सर आप कटक में आए हैं, वी आर ऑनर्ड। रिचर्डसन, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और मैं चाहता हूँ कि सब लोग वहां पर रहें, ओके? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आइए सर, आइए। सर्किट हाउस रेडी है। दैट्स गुड। जी। ओह बाय द वे, सर। आनंद का कोई पता लगा? वेयर इज ही? सर आप नो मुकुंद। आई जस्ट नो हिम बाय द नेम। छोटे लाट अनंत को भी जानते हैं? यस, कम इन। आइए। सर ये लोग कटक के समिति से आए हैं आपको सम्मानित करने के लिए। प्लीज कम इन, प्लीज प्लीज कम इन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वी आर वेरी वेरी ग्लेड टू मीट यू सर। फॉर यू, थैंक यू सो मच। मिठाई लेकर आओ सर। सर ये मिठाई आपके लिए। प्लीज बी सीटेड प्लीज। थैंक यू। आप लोग भी बैठिए प्लीज। मेरे बारे में और भी बहुत कुछ पता किया होगा इन्होंने। हम चलते हैं सर, यदि कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। सर सिर्फ आप ही नहीं, अपने ऑफिस के सबको लेकर आइएगा। मिस्टर रिचर्डसन आप भी, आपके साथ भी जो लोग हैं उनको लेकर आइएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सर। शरद, सुभी को वो कविता सिखा देना और आज छोटे लाट आ रहे हैं कटक में। बाबा ने ताऊजी से कहा कि एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, खाना पीना, गाना, कविता पाठ। आप बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए, आप चादर ओढ़ कर बैठिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? शरद तक पहुँचना होगा मुझे, शरद के अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं कलकत्ता भेजा गया था शरद। ये कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? ओह बड़े भैया, मैंने सोचा शायद ताऊजी होंगे। शरद, बाबा और ताऊजी के आने का समय हो गया है, लेकिन तूने ये सब क्या शुरू किया है? छुप छुप कर कोलकाता में वंदे मातरम पत्रिका ला रहा था। कौन? कौन है वहां? क्या हुआ शरद, कौन है वहां? शरद चलो बाहर चलकर देखते हैं। अनु मौसी, तुम्हें ये पोशाक कहां से मिली? लगता है कोई वहां बात कर रहा है।
और तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बंद है। मछले भैया किससे बात कर रहे हैं? धीरे धीरे बोलो, पहले यहाँ से चलो। आओ, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। अनु मौसी, लेकिन अगर यहाँ कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अनु मौसी इतनी रात को कैसे आई? यहाँ कुछ मत कहो, चलो चलो आओ। तुम स्वदेशी हो, तुम इस सब के बीच में कैसे आ गए? हमारे घर में किसी को पता है? हमारी अनु मौसी जानती है। अनंत दा, अनु मौसी की बातें सुनकर ही मुझे लगता था अनु मौसी भी स्वदेशी है। और एक जन जानता है,